की ओर दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के लिए सभी किसानों को जिम्मेदार ठहराया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त एस एन श्रीवास्तव ने एक एक कर घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आखिर हिंसा कब और कैसे भड़की। उन्होंने साफ तौर पर हिंसा के लिए किसान नेताओं को जिम्मेदार बताया और कई अहम खुलासे भी किए। शाम को यह समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनके उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। फिर भी दिल्ली पुलिस संयम से काम की। अगले दिन सुबह 6:30 बजे से ही वे बैरिकेड तोड़ने को तैयार हो गए। 7:30 पे जो सिंगू पे किसान थे वे उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहां तक पहुंचे। जो अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें दाहिने मुड़ना चाहिए था वो दाहिने ना मुड़ करके और वहीं पे बैठ गए। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू उन्होंने काफी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहां जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके एक और किसान नेता जो दर्शन पाल सिंह वो भी वहां पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। इसी तरीके से टीकरी से भी 8:30 के समय में वे लोग भी चल पड़े और गाजीपुर से भी इसी 8:30 के समय पे वे भी वहां से चल पड़े। पुलिस के जो लॉफुल डायरेक्शन था कि वे अपने जो तय हुए समय है 12 बजे उस समय चलें, क्योंकि जो ऑफिशियल प्रोग्राम था रिपब्लिक डे का वो करीब 12 बजे के समय समाप्त होना था, तो उनको कहा गया कि आप 12 बजे के जो तय हुआ समय है उसी के अनुसार से चलें, लेकिन वो उसको न माने और बैरिकेड तोड़ करके आगे निकल पड़े। उसी प्रकार से गाजीपुर पे जो किसान थे उनमें से जो राकेश टिकायत के साथ जो किसान थे और भी उनके साथ और भी संगठनों के किसान, वे भी इसी प्रकार से वायलेंस में इंडल्ज किया और वे आगे बढ़कर के अक्षरधाम गए और जबकि बहुतों को वापस भेज दिया गया, कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ करके वे भी लाल किले तक पहुंच गए। इन सब पुलिस एक्शन में पुलिस ने संयम बरता। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उसे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। ये हमारी और उनके बीच में अग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपने बड़े जिम्मेवारी के साथ जो अग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे, ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हैं हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं
और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 डीएफएमडी, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह, 30 पुलिस की गाड़ियां जिसमें 2 पीसीआर वैन भी हैं और 1 पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसमें जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। सभी जो रास्तों से जो किसान लाल किले तक पहुंचे वे रेड फोर्ट के जो रैम्पर्ट्स है वहां पहुंचकर वहां पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए और कुछ रिलीजियस झंडे भी फैलाए जिसको पुलिस ने कब्जे में ली है और अभी हमारा ये केस प्रॉपर्टी है। मैं बताना चाहता हूं कि हम दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और पुरातत्व विभाग की संपत्ति, एक स्मारक लाल किले पर फहराया गया झंडा को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हिंसा करने वालों की वीडियो फुटेजेस हमारे पास है और उसकी विश्लेषण हो रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जो भी उसमें भाग लेने वाले उनको उनकी पहचान की जा रही है और उनकी अरेस्ट की जाएगी, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक दिल्ली पुलिस 25 से ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है और जैसा कि मैंने बताया है कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र के सम्मान और सुरक्षा में दिल्ली पुलिस किसान संगठनों से पूछताछ करेगी और जो भी कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेगी।